आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हर भाई की ख्वाहिश होती है कि उसकी बहन उसकी कलाई पर राखी बांधे। हर बहन भी सोचती है कि उसके भाई की कलाई कभी सूनी ना रहे। यही वजह है कि भाई बहन का ये दिन बेहद खास होता है। लेकिन जोधपुर में एक ऐसा भाई भी है जिसने अपनी बहन को खो दिया। जाहिर है कि ये दर्द कोई नहीं समझ सकता। इस दर्द का मरहम उस भाई ने ऐसा खोज निकाला कि सारी बहनें खुश हो जाएं। जी हाँ, इस भाई ने बीड़ा उठाया है कि इस खास दिन कोई भी बहन ऐसी ना हो जो अपने भाई तक ना पहुंच पाए। ये तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है। ऑटो पर छपी ये सूचना आप भी पढ़ लीजिए। ये तोहफा उन बहनों के लिए है जो अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि रक्षाबंधन के लिए सरकारें फ्री सेवा देती हैं। लेकिन जोधपुर के इस ऑटो ड्राइवर ने अपने दिल के साथ साथ ऑटो के दरवाजे भी खोल दिए हैं। जोधपुर के धनराज दादीच ने सभी बहनों को रक्षाबंधन के दिन फ्री यात्रा करने का गिफ्ट दिया है। बकायदा अपने ऑटो पर धनराज ने एक सूचना लगवाई है कि सभी बहनों के लिए फ्री यात्रा सेवा है। धनराज ने अपनी बहन को कोरोना काल में खो दिया था, इसलिए अब वो नहीं चाहते कि कोई भी भाई इस दिन अपनी बहन से दूर रहे। मैंने देखा ये सरकार गवर्नमेंट अपनी रोडवेज वगैरह फ्री लगा रही है, तो मैंने भी सोचा कुछ जोधपुर की बहनों के लिए कुछ मैं नया करूं। और क्या, मेरी भी एक सिस्टर थी, उसकी डेथ हो गई, उसकी श्रद्धांजलि देने के चक्कर में मैंने, ये मेरी बहन का नाम है बेबी, वो मेरे को छोड़ कर चली गई, वो मेरे को राखी बांधने वाला है नहीं। इसलिए जोधपुर की सभी की बहनों को मैं अपनी बहना मानता हूँ, और ओनली फॉर महिलाओं के लिए मैंने ऑटो रिक्शा ये फ्री किया है। इस पहल के बाद जोधपुर की सभी महिलाएं खुश हैं और इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी कर रही हैं। बहुत अच्छा है, अपना पेट्रोल लगा रहे हैं, इतना महंगा है जो बिल्कुल इन्होंने अपनी तरफ से दी है, जबकि सरकार इनको पेट्रोल में थोड़ी दे रही है। इनकी तरफ से जो मुहिम है बहुत अच्छी है, भैया बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा भैया ने काम किया हमारे लिए और एक सच्चे भाई होने का फर्ज निभाया भाई। वाकई कहा जा सकता है कि एक भाई की ये पहल हजारों बहनों के चेहरे पर मुस्कान ले आई है, और यही वजह है कि सभी बहनें आज इस भाई का शुक्रिया अदा कर रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, वीके न्यूज़।